अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऐसे पेजेस के बारे में जिनकी वजह से इंटरनल डुप्लिकेट कंटेंट हो सकता है और आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है या दूसरे किस्म के इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मीडिया अटैचमेंट पेजेस, तो इसके बारे में थोड़ी रिसर्च में आपको दिखाता हूँ। ये योस्ट 7.0 बग काजेज रैंकिंग ड्रॉप्स। तो ये मसला इस तरह हुआ था कि एक ऑप्शन होता है मीडिया अटैचमेंट पेजेस का, वो इनसे गलती से नो हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की आधी से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी। और ये आप लोगों की फीडबैक भी देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी जो माई साइट हैज़ कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड, और इस वन के बहुत ज़्यादा इनकम लॉस हो गई, इस तरह करके लोगों के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बने थे। तो ये होती क्या चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सर्च कंसोल में जाएं तो उसके बाद ये मीडिया, ये हमेशा यस पे होना चाहिए। अगर नो पे हो तो होता इस तरह है कि जितने भी इमेजेस हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उन सब का एक अलग अलग पेज बन जाता है और उस पेज में सिर्फ वो इमेज ही शो होती है, नीचे कोई कंटेंट नहीं होता। तो ये तो आपको ही पता होगा, जिस पेज पे कंटेंट ना हो गूगल उसको लो क्वालिटी पेज समझता है और वो उसकी वजह से पूरी वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से इसको आपने हमेशा यस रखना है, और अगर आपकी वेबसाइट पे ये नो हुआ हुआ है तो आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में जाके आपने जाना है यूआरएल पैरामीटर्स में। इनके थोड़े लिंक स्ट्रक्चर का मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका लिंक स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ये आपकी डोमेन का url.com हो गया, स्लैश ये पोस्ट का यूआरएल हो सकता है, और स्लैश ये इमेज यूआरएल, इस तरह करके इसमें डबल स्लैशेस आती हैं, ये जो पेजेस होते हैं ना मीडिया अटैचमेंट के। उसके बाद जो पैरामीटर्स होते हैं इनकी एग्जांपल थोड़ी इस तरह, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कॉमर्स में, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें फिल्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फिल्टर्स ज़्यादातर इन्हें क्रिएट करते हैं, जैसे चेयर्स सॉर्ट बाय इक्वल ये फॉर एग्जांपल इस तरह के हो सकते हैं। ये इनका आइडेंटिफाई करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि इन यूआरएल्स में क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद ये इक्वल टू और इस तरह करके। उसके बाद टैग पेजेस, टैग का तो शायद आपको पता होगा, इस तरह करके आगे ये टैग लिखा होगा। उसके बाद कैटेगरी, इस तरह करके कैटेगरी, और WP डायरेक्टरीज, और इस तरह करके प्लगइन्स etc, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, और प्रोडक्ट टैग्स, ये सिर्फ वूकॉमर्स में होता है, ये इसका लिंक स्ट्रक्चर है। उसके बाद डेट्स, ये इसका वेबसाइट स्ट्रक्चर है, और पीडीएफ वगैरह का तो आपको पता होगा, ये कोई भी हो सकता है। इस तरह के पीडीएफ का होता है स्ट्रक्चर।
हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स की। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट हो ई कॉमर्स और उस पर ये हो स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पे शो होगा, इस पे शो नहीं हो रहा, तो ये जाएं करेंगे हम मैनुअली ऐड करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट बाय लिख दें यस, और यहाँ से अदर आप कर सकते, कोई इनमें से ये है तो सॉर्ट वाला आप सॉर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अदर ही सिलेक्ट करता हूँ। तो आपने यहाँ पे नो यूआरएल कर देना है, नो यूआरएल जब करेंगे तो गूगल उन्हें इंडेक्स नहीं करेगा। तो अगर ऑलरेडी इंडेक्स्ड हैं तो वो आपको डी इंडेक्स करने पड़ेंगे। उसके बाद टैग्स, ये हैं टैग्स। टैग्स को आप यहाँ से नो सेलेक्ट कर सकते हैं, जब आप नो सेलेक्ट करेंगे तो ये गूगल में इंडेक्स नहीं होंगे। उसके बाद कैटेगरीज, कैटेगरीज़ के बारे में जो एस सी ओज हैं उनका मिक्स्ड ओपिनियन है। आधे एस सी ओज कहते हैं कि इन्हें जो है हमें डी इंडेक्स कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल लिंकिंग सॉरी इंटरनल डुप्लीकेट कंटेंट का इशू बन सकता है, और आधे एस सी ओज कहते हैं कि इन्हें रहना चाहिए क्योंकि ये गूगल साइट लिंक्स वगैरह में भी शो होते हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा जब एक डोमेन का नेम सर्च किया जाता है तो ये शो होते हैं। तो अगर आपने इन्हें कैटेगरीज को रखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से जो इनका प्रीफिक्स है उसे रिमूव कर दें, ताकि यूआरएल में कैटेगरीज ना शो हों। तो जो एसईओज रखते हैं वो भी ज़्यादातर प्रीफिक्स को रिमूव कर देते हैं, और कोशिश करें कि इनमें कोई यूनिक कंटेंट में लिखें। जैसे मैं आपको एक गुड एग्जांपल दिखा देता हूँ एक कैटेगरी की, ये गेमिंग स्कैन वालों की कैटेगरी है, तो इन्होंने ये ऊपर यूनिक कंटेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे ये पोज शो हो रही है। और अगर आपने कैटेगरीज में शो करना हो तो कोशिश करें कि कंटेंट ना शो हो। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये कैटेगरी जो है उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं शो हो रहा, सिर्फ टाइटल शो हो रहा है और इमेज शो हो रही है, और नीचे ये डेट्स और राइट के लिए। तो ये मेरे ख्याल से तो ये परफेक्ट एक कैटेगरी इस तरह की होगी जो एसईओ फ्रेंडली है, जिस तरह की SEOs रेकमेंड करते हैं। उसके बाद WP डायरेक्टरीज, ये ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट तो इंडेक्स नहीं होती, लेकिन अगर ये इंडेक्स हो जाएं तो आप reports.txt से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो भी अब डिसेबल कर दिया, तो ये ज़्यादातर अब खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट डी इंडेक्स ही होती हैं, तो इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट टैग्स, प्रोडक्ट टैग्स जो होते हैं उनका इसके नीचे ऑप्शन आ जाता है, वो भी आपको नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो भी इंडेक्स नहीं होंगे। उसके बाद डेट्स, डेट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा आर्काइव्स में, और यहाँ पे डेट आर्काइव्स हैं और इनको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। उसके बाद एक मैं और भी ऐड कर देता हूँ इधर, ऑथर। तो ये इनका यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा इस टाइप का होता है। तो ये भी डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज इनकी वजह से भी आ सकते हैं, तो इनको भी आप डिसेबल कर दें। अगर आपकी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो आप कोशिश करें कि इन्हें अनेबल रखें, अगर एक ही है तो फिर आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद PDF जो है, PDF भी वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होते तो डी इंडेक्स ही हैं, यानी कि इंडेक्स नहीं होते, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक PDF के लिए सेपरेट पेज बनाया है तो कोशिश करें कि आप उसे डी इंडेक्स कर दें। एक स्पेसिफिक पेज को डी इंडेक्स करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट को ओपन करें, उसके एंड पे एडवांस्ड है, और यहाँ से आपने नो सेलेक्ट कर देना है, और इससे भी नो सेलेक्ट कर देना है, और फिर सेव कर देना है, तो उसके बाद जो है आपकी पोस्ट गूगल में इंडेक्स नहीं होगी। उसके बाद ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद अकाउंट पेजेस हैं, ये एक्स्ट्रा मैंने टू ऐड किए हैं, इनकी वजह से भी रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है, तो कोशिश करें कि आप इन्हें भी
नो इंडेक्स कर दें। अकाउंट पेजेस में आ जाते हैं, चेकआउट पेजेस, कार्ट पेजेस, लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज और माय अकाउंट पेज, ये ज़्यादातर होते हैं ई कॉमर्स में, तो इन्हें आप बेहतर यही है कि नो इंडेक्स कर दें। उसके बाद थिन पेजेस और नो वैल्यू पेजेस, ये ऐसे पेजेस होते हैं जो जिनका ऑडियंस को इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, इनमें टर्म्स एंड कंडीशंस और टर्म्स ऑफ सर्विस के पेजेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, इन्होंने अपने इन पेजेस को नो इंडेक्स किया हुआ है, ये देखें नो इंडेक्स। और कुछ एसईओज तो कहते हैं कि ये रैंकिंग फैक्टर है, इस वजह से इसे इंडेक्स होना चाहिए, लेकिन कुछ ये भी मानते हैं कि इन्हें इंडेक्स होना चाहिए, ये भी कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बेहतर तो वैसे एसईओ के की तरफ से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ये है कि इसे नो इंडेक्स कर दिया जाए, क्योंकि ये भी डुप्लीकेट ही होता है काफ़ी ज़्यादा पेज। 99.9% वेबसाइट्स की का प्राइवेसी पेज जो है बिल्कुल सेम होता है, तो उस हिसाब से तो इसे नो इंडेक्स ही होना चाहिए, लेकिन वो आपकी चॉइस है। तो उम्मीद है ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखना चाहते हैं एसईओ के बारे में, तो आप हमारे चैनल अलीम इकबाल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।